Okay, Rohan, let's proceed ahead with your technical snap for strength of material, and you are going for interview of assistant engineer in Jammu and Kashmir Public Service Commission, right? Yes, sir. Okay, so Rohan, strength of material mein, I would like you to tell me what is the difference between strength and stress? Sir, strength is a material property, whereas stress is not a material property. Stress can be varied, strength cannot be varied. So strength is a term which we use to describe a material, stress can be varied. So this is the main difference. Okay. So as you said, strength is a material property. So do we have categories of strength? Yes, sir. Sir, there is a yield strength after which the material starts getting deformed. There is a ultimate tensile strength. And ultimate fracture strength. Okay, you must have stress strain diagram. You must have seen stress strain diagram also, Arohan. Yes, sir. So, can you tell me which one is the failure point on stress strain diagram? Okay, sir. So, for mild steel. Yeah. The fracture point. Do you think fracture point is the failure point? So, yeah. How do you define failure in engineering? So we usually take the lower yield point as a failure point. Okay. Where do you calculate the yield strength, Rohan? So there are two yield strengths. There's a upper yield strength and the lower yield strength. Sir, I'm drawing the diagram. Sir. Sir, this is the diagram. अब देखो इसमें आप मेरे को ये बताइए आपका failure point कौन सा है? Sir, we take lower yield point as the failure point, sir, this point. लेकिन ये तो plastic region में है. Sir, plastic region, ये sir, यहाँ से यहाँ तक होगा. Elastic point कौन सा है? Sir, elastic point, sir, ये होगा. Sir, वो upper yield point से पहले आएगा, जहाँ तक Hooke's law vary करेगा. Show कीजिए. ये बोलो. Elastic point. Sir, this one. तो अगर ये इलास्टिक पॉइंट है तो इलास्टिक के पॉइंट के राइट साइड तो सारा प्लास्टिक रीजन होता है और एक बार बॉडी प्लास्टिक रीजन में चली गई तो फेल हो जाती है. इलास्टिक सर आपने कहा इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड तो प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट हो जाती है. यस सर. यस सर. सर प्लास्टिक रीजन आ जाता है उसके बाद. तो फिर आप बताइए आप कौन सा पॉइंट होगा फेलियर पॉइंट? सर हम लोअर यील्ड पॉइंट को फेलियर पॉइंट लेते हैं फॉर माइल्ड स्टील. अच्छा मेरे को ये बताइए आप डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सी होती है? सर डिजाइन स्ट्रेंथ सर yield strength हम design strength लेते हैं सर. तो फॉर डक्टाइल मटेरियल व्हाई नॉट अल्टीमेट? सर सर फॉर डक्टाइल मटेरियल हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि सर हम डक्टाइल मटेरियल को उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं. सर अगर वो एक बार डिफॉर्म हो जाएंगे तो वो सर तो वो सॉरी सर. अच्छा मेरे को बताइए स्ट्रेन कितने टाइप का होता है? स्ट्रेन सर सर टोटल तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं.
सर एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देर इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड देर इज अ शीयर स्ट्रेन। आप मॉडुलस के बारे में कुछ बता सकते हैं? इलास्टिसिटी मॉडुलस कितने तरह के होते हैं? सर देर आर थ्री टाइप ऑफ मॉडुलस, देर इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडल्स को डिफाइन कीजिए। सर बल्क मॉडुलस इज चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेगेटिव नहीं लगता? सर सर इसमें नेगेटिव नहीं लगेगा सर, आई डोंट थिंक सो। एक मिनट, सर नेगेटिव तब नहीं लगेगा जब डेंसिटी यूज होगी। सर अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज करेंगे तो शायद से नेगेटिव लगेगा। अच्छा, पॉइजन रेशियो के बारे में कुछ बताइए रोहन। सर पॉइजन रेशियो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है सर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेगेटिव रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? सर ये सर इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, अगर हमें कोई एक बल्क मॉड्यूलस के बारे में पता हो और हमें उसका एक मटेरियल का पॉइजन रेशियो पता हो तो सर हम बाकी के दो बल्क मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं फॉर दैट मटेरियल। अच्छा ये बताइए, आप जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें स्ट्रेसेस बता सकते हैं कौन कौन सी आती हैं? सर वी टेक एलपीजी सिलेंडर्स एज अ थिन सिलेंडर, देयर इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस एंड हूप स्ट्रेसेस और सर्कमफरेंशियल हूप स्ट्रेसेस और सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस। कौन सी वाली मेजर स्ट्रेस होती है? सर हूप स्ट्रेसेस आर द मेजर मेजर स्ट्रेसेस। और अगर मेरे को मेजर स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज करना है तो? मेजर स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज करना है सर तो वो क्लोज टू फेलियर हो जाएगा क्योंकि हम ये फेवरेबल नहीं होता, मेजर स्ट्रेसेस को इंक्रीज करना फेवरेबल नहीं है। और अगर और ज्यादा इंक्रीज करना है तो सर हमें जब एक सिलेंडर को वेल्ड करना होगा तो सर हम एक उसे वेल्डिंग वर्टिकली करेंगे। थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में सुना है? यस सर, तो डिफरेंट मटेरियल फेल इन डिफरेंट वे, डक्टाइल मटेरियल डिफरेंटली फेल होगा, ब्रिटल मटेरियल डिफरेंटली फेल होगा, तो सर इसीलिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं कि कौन सा मटेरियल किस रीजन से फेल हो रहा है। सर देयर आर टोटल 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर। पांच की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी रोहन? सर पहले रैंकाइन ने हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी दी सर, लेकिन दैट ओनली वर्क्स फॉर ब्रिटल मटेरियल। सर फिर गस्ट एंड ट्रेस्का ने हमें सर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी दी सर, दैट इज ऑल्सो लिमिटेड टू डक्टाइल मटीरियल। सर ऐसे धीरे धीरे कि डिफरेंट मटीरियल्स के लिए डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर आए। अच्छा, आपने डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करनी तो कौन सी थ्योरी यूज करेंगे? सर सर वी यूज मैक्सिमम शेयर्स, सॉरी सर सर आई फॉरगॉट। ओके ओके रोहन, लेट मी टेल यू हाउ टू प्रोसीड। अभी आपका डेट तो नहीं आया इंटरव्यू का? नहीं सर अभी आया नहीं है, मे बी इन 15-20 डेज। देखो आपको ना अभी वो सुनना है जो मैराथन है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, सर एक बार देखा मैंने, एक बार से काम नहीं चलेगा, बहुत डेप्थ में है वो, उसे यस सर, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंप्रेस किया हुआ है जूस, यस उसको सर, एक दो बार सुनो एंड देन जो टेक्निकल स्नैप है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पड़े हुए उनको भी सुनो। यस सर टेक्निकल देखूंगा। स्नैप जैसे मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से स्नैप्स पड़े हुए हैं पैनल पे, आप सुनना स्टार्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा वहां से।
सर, तो वहां से आपको लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपके लिए रिहर्सल का काम करेगा, प्रैक्टिस का। जैसे पॉइजन रेशो पूछा तो उसका क्या मीनिंग है, समथिंग लाइक दैट। सो प्रिपेयर ऑन दैट लाइन, ओके सर, यू विल डू दैट एंड देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस, राइट। ओके सर, तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करो और एक बार दोबारा सुनो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और फिर से मेरे साथ लगाते रहो टेक्निकल स्नैप। ओके सर, अभी लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं आपकी, राइट। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ओके डायग्राम सर, भी नहीं पता, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसको भी सुनो, राइट। ओके सर, डेडिकेटेड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज देयर, वॉच इट, ओके ओके राइट, गो फॉर नेक्स्ट स्नैप। ओके।